हेलो गाइस, नमस्कार। मॉल स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर अपने 2018 से लेकर 2019 तक आप अगर वेट कर रहे हैं, जो एसएससी का जो भी वैकेंसी आती जाए मतलब आती है, और अगर आपने भर रखा है 2018 में और 2019 में भी, और आप उसका तैयारी कर रहे हैं, उसका एग्जामिनेशन का कोई सूचना नहीं मिल रहा, तो आप यहाँ पर खुशखबरी, क्योंकि अभी जो कैलेंडर है एसएससी ने जारी कर रखा है, ठीक है, जारी किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी यहाँ पे कैलेंडर है, और जो एग्जामिनेशन का पीरियड दे रखा है कि जनवरी से लेकर मार्च तक जो भी एग्जामिनेशन जो होने हैं उसका यहाँ पे कैलेंडर दे रखा है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो 31 मार्च के बाद भी जो एग्जामिनेशन उसका भी यहाँ पे दे रखा है, तो इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि कब से कौन सा एग्ज़ाम कब होने की संभावना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंबाइंड जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का था, एक पेपर हो चुका है, ठीक है, 13/1/2019 को हो चुका है, तो ये ख़त्म हो गई। और जो आने वाला जो एग्ज़ाम है, जो आपको मई बचा हुआ है और जून बचा हुआ, और जो खासकर जो CGL है, CGL एग्जामिनेशन, उसका कब होना है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी एग्ज़ामिनेशन है राइट, अभी जो मई चल रहा है, तो आप देख सकते हैं एक मई का एग्ज़ाम यहाँ पे, अगर आपने भर रखा है कंबाइंड जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर इन सबऑर्डिनेट ऑफिस और हिंदी प्राध्यापक एग्ज़ाम का जो यहाँ पे पोस्ट था, जो 2018 में इसका रिलीज किया गया था, और शायद इसका फर्स्ट जो है यहाँ पे एग्ज़ाम हो चुका है, जो सेकेंड फेज है वो आपका यहाँ पे 26/5/2019 को होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट टायर को हो चुका है यहाँ पे, सेकेंड टायर का जो एग्जामिनेशन है, आप देख सकते हैं पेपर टू का एग्जामिनेशन होना बाकी है, ओके। तो यहाँ पे 26/5/2019 को एग्ज़ाम इसका लिया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा पेपर टू का, ओके। यहाँ पर कंबाइंड जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर इन सबऑर्डिनेट ऑफिस एंड हिंदी प्राध्यापक एग्ज़ाम था, जो आपका फर्स्ट पेपर हो चुका है, कब हुआ, या शायद जनवरी फरवरी में हुआ होगा या पिछले साल हुआ होगा। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर वही कर रहा हूँ जो आपका आने वाला एग्ज़ाम, यानी कि जो मई में एग्ज़ाम होना है या फिर जून में होना है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी और जो भी यहाँ पे कंबाइंड CGL जो पेपर वन होने हैं, टायर वन होने हैं, आपका यहाँ पे होना था कब, 5/4/6/2018 को, तो ये सब भरने का डेट था, और शायद होने थे इसका 2018 में सितंबर अक्टूबर में होने थे, बट उस समय नहीं हुआ। और सारा चीज़ यहाँ पे जो कैंडिडेट है, जो कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे थे, उनका सारा जो वेटिंग करने का ये थे आपका ये था क्या बोलते हैं पैसेंस जो बोलते हैं, वो सारा ख़त्म हो चुका है। और अभी जो यहाँ पे नया जो शेड्यूल जारी किया, मतलब कैलेंडर जारी किया, तो आप देख सकते हैं कि 14/6/2019 से इसका एग्ज़ाम जो है स्टार्ट होगा, और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, आपको पता ही होगा। तो 4/6/2019 से लेकर 19/6/2019 तक टोटल जो पेपर के अंदर मतलब जो भी इसके पोस्ट है, जितने भी पोस्ट है राइट, 20-25 जो भी पोस्ट है, इसके सारे एग्जामिनेशन होंगे और ड्यूरिंग दिस मंथ राइट, 4/6/2019 से लेकर 19/6/2019 तक। तो आपके पास जो आप दिन बचे हैं बहुत ही कम बचे हैं, आज आपका हो गया 9 मई और स्टार्ट हो रहे हैं 4/6 से, यानी कि करीब करीब नहीं तो आपके पास 20-25 दिन और बचे हैं जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने हैं। तो इसके लिए आप पूरी तरह से लगन के साथ आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अच्छा चांस है। और यहाँ जो गवर्नमेंट भी है, तो आप गवर्नमेंट का जो मतलब एक तरह से लगे पड़ी है, यानी पूरा देश पड़ा हुआ है गवर्नमेंट के पीछे, तो कुछ कर नहीं सकते, यानी कि एग्जामिनेशन होना ही होना है। जो गवर्नमेंट यहाँ पे अपना इंटरफेयर वगैरह जो करती है या कुछ भी करती है, तो जब होने वाला नहीं है, अभी एग्जामिनेशन होगा वैसे तरीके से इसका एग्ज़ाम होगा, एंड पेपर लीक होगा या क्या होगा तो बता नहीं सकते, तो सारा चलता रहता है राइट। तो ये सब हम बता नहीं सकते कि क्या होगा, लेकिन जो एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल है तो यहाँ पर जारी कर रखा है, इसके हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं CGL का, टायर वन का, और इसका टायर टू, टायर थ्री, टायर फोर जो भी एग्जामिनेशन है उसका प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपका 2017 का जो टायर थ्री का जो पेंडिंग पड़ा हुआ था, जो स्टे लगाया हुआ था हाई कोर्ट ने, उसको जो ऑर्डर दे दिया वहाँ पे SSC को कि उसका रिजल्ट जारी करे, उसके हिसाब से CGL का जो नेक्स्ट पेपर है 2018 का वो होना ही होना है, और ये सारे शेड्यूल के हिसाब से होगा, ठीक है। तो इसमें बताना था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2018 का जो टायर वन पेपर था कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 के हिसाब से जो भरा जाता है, यानी कि CHS, इसका जो एग्ज़ामिनेशन इसका भी लिया जाएगा आपको 1/7/2019 से, ठीक है, यानी कि जुलाई में इसका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो आपके पास तकरीबन नहीं तो 2 महीने बाकी हैं, इसका आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं आपने अगर इसके लिए भरा है तो, यानी कि सारे एग्ज़ाम जो 2018 में होने थे अब 2018 न होकर 2019 हो गया, ठीक है। जो गवर्नमेंट इतनी सारी जो अफवाहें फैला रखी थी कि ये है वो है जो जीत पाया उसके कारण, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ, सारे कैंडिडेट वेट कर रहे एग्जामिनेशन का, और पूरी बेरोजगारी बढ़ा हुआ है इंडिया में,
तो इसके हिसाब से मैं अपना भड़ास निकालना नहीं चाहता, लेकिन जो भी बोल रहा हूँ यहाँ पे कि गवर्नमेंट काफ़ी यहाँ पे ख़राब काम किए, उसके हिसाब से सारे कैंडिडेट परेशान हैं। जो भी एग्ज़ाम हो रहे थे अपने रेगुलर बेसिस पे, जो एग्ज़ाम हो रहे थे 2018 से होने थे वो नहीं हुआ, सारा पेंडिंग में चला गया। पता नहीं क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर एक्शन लिया था नहीं लिया था, और क्या उसमें खिचड़ी पक रही थी पता नहीं, जो भी हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट टायर का एग्जामिनेशन होगा कम्बाइंड हायर सेकेंडरी का, आपका एक साथ यानी 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके लिए आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए अगर आपने इसके लिए भरा है तो। और उसके बाद जो यहाँ पे MTS का जो आपका नया वैकेंसी भी आया है MTS का 2019 के लिए, उसको ना बोल के मैं अच्छा ये MTS 2019 का ही वैकेंसी है, ओके 2019 का ही बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, अब मैं 2018 के बारे में सोच रहा। तो आप देख सकते हैं मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल का जो पेपर 1 का एग्जामिनेशन होने हैं यहाँ पर दे रखा है 2/8/2019 से यानी कि स्टार्ट होगा, यानी कि आपके पास टोटल 3 महीने बाकी हैं। तो 3 महीने लगन के साथ इसके लिए प्रिपरेशन कीजिए। सारे यहाँ पर जो तीनों एग्ज़ाम है CGL से लेकर CHS मतलब सेकेंडरी हायर जो लेवल का जैसे 10+2 का है और MTS का है, सारे यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। तो इसके लिए आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए ताकि आप बेहतर तरीके से एग्जामिनेशन दे सके और अपना मार्क्स उठा सके और एक सीट अपना निकाल सके जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके। और नेक्स्ट मैं बढ़ रहा हूँ कि आप यहाँ देख सकते हैं कंबाइंड यानी CGL का जो टायर 2 का पेपर होगा जो 2018 के नोटिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे है, उसका आपका एग्जामिनेशन होगा 11/9/2019। यानी कि सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा, पेपर लीक नहीं हुआ, फर्स्ट टायर का जो होने हैं आपको 4/6 से अगर पेपर लीक नहीं हुआ, सब कुछ ठीक ठाक रहा, रिजल्ट अगर नॉर्मल तरीके से आया, तो आपका जो सेकेंड टायर का है जो यानी कि यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ सब कुछ इसी हिसाब से होगा। और 11/9 जो है 11 यानी कि अगस्त हो गया आपका, जुलाई अगस्त में आपका एग्जामिनेशन होगा। तो इसके लिए आपको करीब करीब 4 महीने बचे हुए हैं, तो इसका भी आप प्रिपरेशन करना शुरू कर सकते हैं इसका इसके हिसाब से जो आपने कैलेंडर निकाल सके, SSC ने जो कैलेंडर निकाल रखा है, तो ये बेहतर होगा आपके लिए कि आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि और क्या क्या दे रखा है 2018 का पेंडिंग या 2019 का एग्जामिनेशन जो भी पेंडिंग है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियर यानी जो भी बीटेक कर रखे हैं या फिर जो डिप्लोमा वाले थे उनके लिए सारा है, जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए। तो ये आपका जो वैकेंसी निकला था 2019 में ही निकला था और शायद इसका एग्ज़ाम शेड्यूल तरीके से ही होगा मेरे ख्याल से, शायद इसका पोस्टपोन किया था या नहीं किया था अच्छे तरीके से मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो कैलेंडर में यहाँ पर दे रखा है आपका 23 अगस्त यानी 23 अगस्त से इसका एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। तो मैं बेसिकली यहाँ पे इस कैलेंडर में खासकर मैं बोलना चाह रहा था कि CGL के लिए बोलना चाह रहा था कि उसका एग्जामिनेशन कब होगा और किस किस डेट में होगा और कितने समय बचा हुआ, इसके हिसाब से मैंने वीडियो लाया था कि ताकि आपको CGL के लिए परफेक्टली जो न्यूज़ है वो मिल सके। फिलहाल जो भी न्यूज़ है यहाँ पे बताना पड़ेगा कि और कौन कौन सा मतलब एग्ज़ाम होने हैं और जो कैंडिडेट इससे रिलेटेड है उनके लिए फ़ायदेमंद होगा ताकि उसके हिसाब से अपना प्रिपरेशन कर सके, ठीक है। और इसके हिसाब से मैं बोलूँ यहाँ 15/9 पर दे रखा है कि रिक्रूटमेंट ऑफ SI इन CAPF ASI CISF जो है एंड SI इन दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2018 का पेपर है ये, जो पेपर 2 का एग्ज़ाम होने हैं, ठीक है। इसका पेपर 2 का एग्ज़ाम होने है आपको 27/9/2019 को होगा, तो इसका भी आपने ध्यान में रखना है कि जो पेपर अगर अपना 1 एग्ज़ाम दे रखे इसका, आप पता नहीं पेपर 1 का एग्ज़ाम कब हुआ था, शायद इसमें कैलेंडर में दे रखा होगा तो मुझे नहीं मालूम, बट अगर आपने दे रखा है तो इसके हिसाब से पेपर 2 का प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। पेपर 1 का आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम ले रखा है यानी कि मार्च में एग्ज़ाम इसका हो गया है और पेपर 2 का एग्ज़ाम होने बाकी है, ठीक है। तो इसका भी इस कैलेंडर में दे रखा है, तो इसके हिसाब से प्रिपरेशन करना आप स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे था कि रिक्रूटमेंट ऑफ SI CA पेपर 2 का एग्जामिनेशन होने 27/9/2019 से, इस कैलेंडर में ही दे रखा है। एंड अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ तो यहाँ पे कंबाइंड हायर सेकेंडरी यानी कि पेपर 2 का जो होगा CHS का जो पेपर 2 का एग्जामिनेशन होने उसका यहाँ पर डेट दे रखा है 19/9/2019 को, यानी कि अगस्त में होगा, लास्ट अगस्त में इसका एग्जामिनेशन होगा, तकरीबन 4 महीने बचे हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा समय है पेपर 1 पेपर 2 का प्रिपरेशन करने के लिए। पेपर 1 के लिए करीब करीब यहाँ पे आपको 2 महीने मिल रहे हैं और पेपर 2 के लिए आपको करीब करीब 5 या 4 महीने मिल रहे हैं, यानी आई थिंक 4 या 5 महीने मिल रहे हैं क्योंकि लास्ट अगस्त में पेपर होने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेपर 1 जो है और यहाँ पे पेपर 2 रहा, नहीं ये तो मल्टीटास्किंग का है, एक सेकेंड,
वो नीचे में है। ओके और से यहाँ पे पेपर वन का आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1/7 को होने हैं, मतलब स्टार्ट होने हैं इसका एग्जामिनेशन, जो आपको टोटल 20 दिन चलेगा मेरे ख्याल से, 20 या 25 दिन चलेगा, ठीक है। तो 2 महीने इसके लिए बच्चे पेपर वन के लिए एंड पेपर टू के लिए जो बच्चा हुआ यहाँ पे कहाँ गया, 1 सेकेंड कम्बाइंड हायर सेकेंडरी, ओके पेपर टू का जो बच्चा हुआ यहाँ पे 19/9/2019 को, तो तकरीबन आपके पास 5 महीने हैं, आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा मौका है यहाँ पे, इस कैलेंडर में सारा दे रखा है कि कब कब एग्जामिनेशन लेगा और कैंडिडेट को अच्छा गाइडेंस मिल सकता है कि हमको कैसे प्रिपरेशन करना है। ओके और यहाँ पे मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2019 जो आप फर्स्ट का बता दिया मैंने कब लेगा वो, और जो सेकेंड यहाँ पे है 17/11/2019 को लेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपने भरा है MTS का एग्ज़ाम तो दो अभी फॉर्म का डेट भी है, यानी कि 29 मई तक इसका भरा जाएगा, और मैंने इसके लिए वीडियो बना रखा है कि आपको इसको कैसे भरने हैं, तो आप मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं, उससे गाइडेंस ले सकते हैं कि उसको कैसे भरना है, ठीक है। अगर आपने नहीं भरा अभी तक तो उस हिसाब से आप फॉलो कर सकते हैं मेरी वीडियो को, और उस हिसाब से आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं, अपने से ही खुद से ही और मोबाइल से ही भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट देखूँ तो यहाँ पे कंबाइंड जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का दे रखा है, जो 2019 में इसका निकला है वैकेंसी का, सॉरी 2019 में इसका अभी निकला नहीं है, 1/8/2019 को निकलेगा नोटिफिकेशन, तो इसका भी यहाँ पे दे रखा है। तो इसकी बातें मैं छोड़ता हूँ, जब नोटिफिकेशन निकलेगा तब दिया जाएगा। तो मेनली यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था कि जो 2018 और 2019 का जो पेंडिंग एग्जामिनेशन बचे हुए हैं उसका सारा कब लेगा, तो ये सारा कैलेंडर में इस पर डिस्कस करना चाह रहा था मैं, और यहाँ पर सारा चीज़ बताया मैंने, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 2019 का सारा कैलेंडर यहाँ पर दे रखा है कि कब नोटिफिकेशन निकलेगा, कब से कब तक भराएगा, ये सारा दे रखा है। तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, जब निकलेगा तब देखा जाएगा और उसके हिसाब से मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आप एक बार फिर से मैं यहाँ पर रिवाइज कर दे रहा हूँ कि जो भी SSC CGL का जो फर्स्ट पेपर होने, यानी कि जो 2018 में इसका जो भरना था, यानी कि जो नोटिफिकेशन निकला था 2018 में, और जो भरने का डेट यहाँ पर दे रखा था 5/5/2018 से 4/6/2018 तक, तो जो उसका फर्स्ट पेपर होने हैं आपको यहाँ पर देख सकते हैं 4/6/2019 को होगा, स्टार्ट होगा इसका, और जो एग्जामिनेशन चलेगा आपका करीब करीब 15 दिन है, 19/6/2019 तक चलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर 4/6 से लेकर 19/6/2019 तक। तो आपके पास मात्र और मात्र 1 महीने बचे हुए हैं, 1 महीने से भी कम समय बचे हुए, लगभग 25 दिन बचे हुए हैं, तो उसके हिसाब से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए करंट अफेयर्स और जो भी इसमें सिलेबस है मैथमेटिक्स का है और रीजनिंग वगैरह, जो भी अच्छे से रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज ज़रूर कीजिए, क्योंकि रिवीजन कीजिएगा तभी आपका माइंड में आ पाएगा चीज़ें जो आपने पढ़ रखा है पहले, अदरवाइज आप सारा भूल जाएंगे, आप फिर से पढ़ना पड़ेगा सारी चीज़ें और काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। और यहाँ पे जो फर्स्ट पेपर का मैं बोल रहा था, सेकंड पेपर का जैसे बताया है मैंने कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टायर टू का जो होगा 11/9/2019 को होगा, ठीक है। और टायर थ्री टायर फोर ये सब का सारा शेड्यूल नहीं दे रखा है, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ओके यहाँ पे दे रखा है, टायर थ्री का भी दे रखा है, आप देख सकते हैं 21 नंबर पर टायर थ्री का भी दे रखा है, मैंने इसको स्किप कर दिया था। तो 29/12/2019 को इसका एग्जामिनेशन लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर, इसका कोई गारंटी नहीं 21 दिन लेगा ही लेगा, बट यहाँ पे जो दे रखा है कैलेंडर वाइज में उसके हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो टायर थ्री का यहाँ पे 29/12/2019 यानी कि काफ़ी समय है आपके पास, 7 महीने से ज़्यादा समय है इसको प्रिपरेशन करने के लिए अगर इस हिसाब से लिया जाएगा तो। और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टायर फोर का जो एग्जामिनेशन उसका यहाँ पर नहीं दे रखा है, ठीक है। तो ये सारी थी यहाँ पर कैलेंडर में जो भी एग्जामिनेशन दे रखा था, तो उसके हिसाब से मैंने वीडियो बनाया। और यहाँ पे 2019 का कैलेंडर यहाँ पे दे रखा है कि जब निकलेगा वैकेंसी उसके हिसाब से टू बी नोटिफाइड यहाँ पे दे रखा है। तो और बाकी सारे यहाँ पे 2019 के जो भी यहाँ पे कैलेंडर में जो नोटिफिकेशन आएंगे उसके एग्जाम पे यहाँ पे दे रखा है, तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पे मेन फोकस था मेरा CGL का था और MTS का था कि एग्ज़ाम कब लेगा और कैलेंडर में और क्या क्या चीज़ें दे रखा था, मैंने उसको भी एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। तो इस वीडियो में इतना है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेकर आता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर गाइज, बाय बाय।